नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टाज द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार, जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजी वाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट मार्बल वगैरह उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजी वाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। भाजपा ने आक्रोश रैली के बहाने झंडा मैदान में दिखाई ताकत। राज्य सरकार के खिलाफ खोला जोरदार मोर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना। कई दिग्गज नेताओं के साथ हजारों समर्थक हुए शामिल। तीसरी कोरोना टांड में सौतेली मां ने बच्चों को खिलाया विषाक्त भोजन। एक बच्चे की हुई मौत, एक का चल रहा है इलाज। जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। आबकारी विभाग ने राजधनवार में मारा छापा। अवैध शराब के 2 ठिकानों से किया 120 लीटर महुआ शराब जब्त। भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। और सदर विधायक ने चतरो और मोहनपुर में किया 2 चेक डैम का शिलान्यास। किसानों को होगा इस चेक डैम का लाभ। ग्रामीणों ने जताई खुशी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से गुरुवार को झंडा मैदान में जन आक्रोश रैली की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आलम यह हो गया है कि मुख्यमंत्री से ईडी को पूछताछ करना पड़ा। मरांडी ने कहा कि 3 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन इस दौरान एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया गया है। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार परिवार और पैसे के लिए काम करती है। मरांडी ने कहा कि झामुमो राज्य की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। मरांडी ने कहा कि अब झामुमो पार्टी का नाम बदलकर झारखंड मुद्रा पार्टी कर देना चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसियां जांच करेगी और आपको जेल में डालेगी। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बालू, लोहा, कोयला और जमीन को लूटने का काम किया है। इतना ही नहीं, अब तो सरकार के दलाल लोगों के बंद घर को भी लूटने का काम कर रही है। मौके पर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, डॉक्टर रविंद्र राय, गिरिडीह प्रभारी अमित तिवारी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, चुनुकांत, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, पूर्व जिप्स उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, संदीप डंकेज, सुभाष सिन्हा, नुनुलाल मरांडी, हरविंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, मनोज संघई, भागीरथ मंडल, देवनाथ राणा, रंजन सिन्हा, महिला नेत्री संगीता सेठ, शानली वैशिख्यार, रजनी कौर के अलावे काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई करेंगे, वो जांच करेंगे, वो आपसे पूछताछ करेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप उसके लिए भाग नहीं सकते। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं
और इतना ही नहीं, अब याद करिए, अभी जब एक दलाल के घरों में छापा मारा, दो AK-47 मिला, जिंदा कारतूस मिला, पता चला जांच में कि कहां किसके सिक्योरिटी का AK-47 था, कहां ये लोग नियुक्त थे, तो कांस्टेबल की नियुक्ति सीएम आवास में थी, सीएम की ड्यूटी में थी, और कांस्टेबल कहां है उसका अता पता नहीं था, और उनका AK-47 उनके दलाल के घर में था। जब ईडी वाले हेमंत सोरेन जी को पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हम जानते नहीं कौन प्रेम प्रकाश है। हमने कहा कि भैया चलो मैं ये भी मान लेता हूं आपको पता नहीं है कौन प्रेम प्रकाश है, लेकिन जब ईडी वालों ने जब कार्रवाई किया उनके घर से AK-47 मिला, तो आपने उन कांस्टेबल के ऊपर क्या कार्रवाई किया, आपने सीएम सिक्योरिटी में जो ऑफिसर रहते उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया, आपने वहां के सीनियर एसपी के ऊपर क्या कार्रवाई किया, अगर आप उनके साथ आपके वो दलाल और बिचौलिया नहीं थे तो आपने फिर डीजी पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि पता था हेमंत सोरेन को अगर हम उनके पुलिस ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो लोग ही सरकारी गवाह बनेंगे और हेमंत सोरेन के हाथ में हाथ कड़ी होगी। तो इस प्रकार से अगर आप लूट रहे राज को, ये मैंने चंद घटना आप सबके सामने रखा हूं कि किस प्रकार से इस राज को दलाल और बिचौलियों को खड़ा करके लूट रहे। अब ये लुटेरी पूरे राज्य में, जहां राज्य ही सरकार ही लूटने में लगे रहे, लुटाने में लगे रहे, तो फिर कौन बचाएगा। ये हालत है इस प्रदेश की, ये झारखंड की स्थिति हो गई। सरकार से लोग उम्मीद करते हैं लुटेरों से बचाएंगे, लेकिन आज वही लूटने में लगे हुए हैं, वही इस राज्य को खंडहर बना रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश में अगर हमें इस प्रदेश को बचाना है, जो जल जंगल जमीन की हिफाजत की बात कर रहे थे, आज तो जल जंगल जमीन को वो लोग लूटने में लगे हुए हैं, तो जल जंगल जमीन को बचाना है तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन को हटाना होगा। यही निवेदन और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में। थाना क्षेत्र के रोहना टांग में सुनील सोरेन के 3 वर्षीय बेटे अनिल सोरेन की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आरोप है कि बच्चे की सौतेली मां सुनीता हांसदा के द्वारा बच्चे को पॉइजन दिया गया है। बताया गया कि बच्चे की सौतेली मां गुरुवार सुबह घर में चिकन लेकर आई थी, जिसके बाद उसे बनाकर वह दो बच्चे को खिलाई। चिकन खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा बच्चा 8 वर्षीय संघर्ष सोरेन गंभीर रूप से बीमार है, इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि 3 साल पहले बच्चों की मां को सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इसके पिता ने दूसरी शादी की थी। बताया गया कि सुनील सोरेन कहीं बाहर काम करता है और अब तक नहीं लौटा है। उसको माँ सतेला माँ उसको खिला दिया। अच्छा, क्या चीज खिला दिया था? मीट और भात। अच्छा, मुंह में फूसा दिया। फूसा करके वो मतलब अब इन लोग बड़ लड़का बच्चा को बोल दिया कि हम जा रहे हैं, इन लोग को सोला देना। हाँ, ऐसा बोल करके वो बस निकल गया। अच्छा, कौन इसकी माँ ही थी? हाँ, सतेला माँ। अच्छा, इसके पिता कहाँ रहते हैं? पिता वो बाहर में कहाँ तो को मालूम नहीं है, मतलब हम फुआ है ना। अच्छा, वही करने वाले हैं कुछ आसपास। राजधनवार के नावागढ़ चट्टी में छापा मार कर उत्पाद विभाग की टीम ने 120 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। गुरुवार शाम बरमसिया उत्पाद डिपो में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को उत्पाद अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में राजधनवार थाना अंतर्गत नावागढ़ चट्टी में संतोष कुमार साव और पंकज साव के द्वारा संचालित
अवैध दुकान भट्टी में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को देखते ही दोनों अभियुक्त तो भागने में सफल रहे। मौके पर उत्पाद जवानों ने 120 लीटर अवैध महुआ शराब को मौके पर से जब्त किया और 2050 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया। इस बाबत उत्पाद अवर निरीक्षक ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि लगातार नावाचट्टी से अवैध शराब की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के SI अजय कुमार सिंह, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंदकिशोर दुबे, सीताराम राय, राम अयोध्या राय एवं जिला बल शामिल थे। अधिकारी के आदेशानुसार अवैध उत्पाद के विरुद्ध छापेमारी किया गया। धनबाद थाना अंतर्गत चट्टी बाजार बीच बाजार में काफ़ी शिकायत मिल रहा था। उसके बाद वहाँ पंकज कुमार साव एवं संतोष कुमार साव के अवैध शराब भट्टी पर छापेमारी किया गया, जिसमें 2050 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया तथा 120 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया। यह अभियान जारी रहेगा। और सर किसी गिरफ्तारी इसमें सर नहीं, आप पुलिस बल को देखते ही अभियुक्त मौके वारदात से फरार हो गया। कुमार सोनू के द्वारा गुरुवार को चतरो एवं मोहनपुर में 2 चेक डैम का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि 54 लाख और 44 लाख की लागत से बनने वाले इन चेक डैम के निर्माण से सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं विधायक ने कहा कि जनहित के तमाम मुद्दों पर झारखंड सरकार बेहद गंभीर है और इसी कड़ी में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर JMM के जिला कोषाध्यक्ष सह जिला 20 सूत्री सदस्य गौरव कुमार समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सदर अस्पताल से गुरुवार को पुरुष नसबंदी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बताया गया कि ये जागरूकता रथ पूरे जिले भर में घूम घूम कर पुरुष नसबंदी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। बताया गया कि इस दौरान लोगों की भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा, साथ ही लोगों को नसबंदी से संबंधित उचित सलाह दिया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल से जुड़े कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। NSV का या पुरुष बंध्याकरण का एक अभियान चलाया गया है, या एक तरह से कहें ये जागरूकता के लिए रथ का झंडे दिखाकर रवाना किया गया, जो जिले में जगह जगह घूमकर इसकी जागरूकता हेतु कार्य करेंगे और जो प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। क्योंकि अभी भी लोगों में पुरुष नसबंदी के प्रति कुछ भ्रांतियां हैं, या अभी भी लोग इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। महिलाओं का बंध्याकरण तो हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन पुरुषों में इसके प्रति जागरूकता आए और पुरुष इसके प्रति सचेत हों कि ये हमारी भी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी को याद दिलाने के लिए या जिम्मेवारी के प्रति जागरूक करने के लिए यह जागरूकता रथ जिले में भेजा गया है। और चूंकि ये पुरुष नसबंदी बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें अस्पताल में नहीं रुकना होता है, 2 घंटे के अंदर वो जा सकते हैं अपने घर और जल्दी काम पर लौट सकते हैं, किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है, चाहे वो मर्दाना कमजोरी हो या और भी शारीरिक कार्यों में हो, वो हर तरह से सक्षम रहते हैं। छोटे से प्रक्रिया है और हर जगह हमारे हर CHC में, जिला अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए लोग अधिक से अधिक इसके प्रति प्रेरित हों, जागरूक हों, इसके लिए इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जो जिले में जाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करेंगे। और हम लोग एक नुक्कड़ नाटक भी हर प्रखंड में कुछ कुछ जगह पर चुने, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर
कराकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लिए प्रेरित हों और नसबंदी के लिए आगे आएं। कब तक चलेगी ये सर? ये चलेगी, चलती रहेगी। बिंगाबाद प्रखंड अंतर्गत उपक्रमित प्राथमिक विद्यालय डोंगो में गुरुवार को वर्ग एक व दो के छात्र छात्राओं के बीच सरकारी पोशाक का वितरण किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। इसको लेकर लगातार बच्चों को छात्रवृत्ति पोशाक स्वेटर बैग उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी बच्चे एक ड्रेस कोड में स्कूल पहुंचे, उसी उद्देश्य को लेकर सरकारी पोशाक का वितरण विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच किया गया। मौके पर मुखिया वासुदेव नारायण सिंह, उप मुखिया, विद्यालय के शिक्षक प्रबंधन समिति अध्यक्ष और ग्रामीण उपस्थित थे। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन संबंधित कार्यों को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में निर्वाचन से संबंधित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की अवधि के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए फॉर्म संग्रह कराने में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने संबंधित फॉर्म संग्रह कराए ताकि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से नहीं छूटे। उन्होंने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 में लगे बीएलओ की समीक्षा करने तथा योग्य नागरिकों का फॉर्म संग्रह करने में तेजी लाने एवं कम प्राप्त फॉर्म वाले स्थानों पर अत्यधिक मेहनत करने का निर्देश दिया ताकि स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण सुनिश्चित कराई जा सके। फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान निर्वाचन संबंधित कार्यों को लेकर ऑनलाइन बैठक भी की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 17 व 18 आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए। अहर्युक्त वैसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका नाम पंजीकरण करने, आधार अधिप्रमाण आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने संबंधित फॉर्म संग्रह कराए जाए। मजदूर संगठन समिति ने गुरुवार को अर्घाघाट रोड के श्रम कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान फैक्ट्री निरीक्षक के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह के फैक्ट्री में नियमों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर यह आंदोलन किया गया। इस धरने में संगठन समिति के केदार राय, कन्हाई पांडे, पवन यादव, अरविंद सोरेन समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए और फैक्ट्री निरीक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर संगठन के नेताओं ने फैक्ट्री निरीक्षक को एक मांग पत्र सौंपते हुए फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, 8 घंटे तक काम लेने की मांग, 75% स्थानीय बेरोजगारों और मजदूरों को नौकरी देने के साथ सारे कर्मियों को फैक्ट्री का परिचय पत्र देने की मांग की। प्रखंड के केंद्रों पंचायत निवासी सुधीर वर्मा प्रवासी मजदूर के रूप में मुंबई में रहकर टेम्पू चलाता था।
उसकी मृत्यु मंगलवार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने से मुंबई में ही हो गई। बताया जाता है कि बीते मंगलवार को सीने में दर्द होने की सूचना मुंबई में ही रह रहे अपने भाइयों को बताया, तभी भाइयों ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो प्राइवेट डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन सरकारी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। बुधवार रात फ्लाइट से मृतक के शव को रांची होते हुए घर लाया गया, जिससे शव गांव पहुंचते ही परिजनों व गांव वालों में मातम छा गया। गुरुवार को दस संस्कार किया गया। परिजनों से मिलने पहुंचे भाजपा नेता प्रणव वर्मा ने कहा, सुधीर वर्मा मुंबई में रहकर अपना जीविकोपार्जन चला रहा था, वह प्रवासी मजदूर के तहत आता है, प्रवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए सरकार को देना चाहिए, हम सभी सरकार से मांग करेंगे जिससे छोटे छोटे बच्चे और उनके परिवार को लाभ मिल सके। तो संवेदना देने पहुंचे जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर सलीम अंसारी, राजू अंसारी, गुल्ली महतो, पिंकू वर्मा उपस्थित थे। हमारे गांडो गांव के सुधीर वर्मा नामक प्रवासी मजदूर की विगत कल मृत्यु हो गई थी मुंबई में, और मुंबई में वो ऑटो चला के अपना जीवोपार्जन करने वाला व्यक्ति था, और हम लोग चाहेंगे कि उनको उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रोजगार करने वाला व्यक्ति नहीं है, सरकार से जहाँ तक हो लाभ मिले, और हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि इस परिवार को यथासंभव मदद मिल सके। सदर प्रखंड के बदगुंदा कला मोड़ के पास गुरुवार सुबह प्रभा डेरी की गाड़ी भी सड़क पर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रभा डेरी की गाड़ी बेंगाबाद से डेरी फार्म से दूध की पौच लेकर डुमरी से बगोदर जा रही थी। सुबह अचानक दूसरी तरफ से आ रही ट्रक की लाइट के कारण प्रभा डेरी की गाड़ी नियंत्रण खो गई, जिसके कारण गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई, जिससे चालक को सिर में चोट लगी तथा उपचालक का पैर टूट गया। मौके पर मुफस्सिल पुलिस आकर गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। भाजपा ने आक्रोश रैली के बहाने झंडा मैदान में दिखाई ताकत, राज्य सरकार के खिलाफ खोला जोरदार मोर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना, कई दिग्गज नेताओं के साथ हजारों समर्थक हुए शामिल। तीसरी कोरोना टांड में सौतेली मां ने बच्चों को खिलाया विषाक्त भोजन, एक बच्चे की हुई मौत, एक का चल रहा है इलाज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आबकारी विभाग ने राजधनवार में मारा छापा, अवैध शराब के दो ठिकानों से किया 120 लीटर महुआ शराब जब्त, भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। और सदर विधायक ने चतरो और मोहनपुर में किया दो चेक डैम का शिलान्यास, किसानों को होगा इस चेक डैम का लाभ, ग्रामीणों ने जताई खुशी। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।